विषय में स्वतंत्रता भरोसा रखे मैं पूरी जो आप लोगों ये ताकत और जो उल्लास और जो आप लोगों ये खुशी जाहिर करना था निश्चित रूप से मैं आपको सेवक बन करके आपको बेटा बन करके इस क्षेत्र की सेवा में लौट लो आप लोगों बीच हो लो कोर्ट वार्ड में रुक लो जो ये क्षेत्र की समस्या होली वो समस्या आप लोग जनता ही कर लो मैं पूरा करने की कोशिश कर लो और पूरा करने की कोशिश ही ना मैं पूरी कर लो ठीक है ना आश्वस्त करके आपको बहुत बहुत आभार खास करके आज हम आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज कम के साथ थराली विधानसभा से आज हमारे हुए हैं यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के थराली विधानसभा से श्री भोपाल राम कंता जी आए मुझे जानते हैं कि कैसी उनकी आगामी दिनों में तैयारी चल रही है किस प्रकार के टक्कर में मिल रहे हैं यहाँ पे लगभग 8 से 9 प्रत्याशी यहाँ पे थे और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है चुनाव प्रचार की इस विषय में जानकारी जानना चाहते हैं कि नमस्कार पहाड़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं पहाड़ की आवाज़ का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। यहाँ पे चुनाव प्रचार तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का निरंतर 5-5 साल चलता रहता है। संगठन की दृष्टि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि प्रचार तो उन लोगों को करना है जो 4 साल 4.5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। हमारी संगठन की दृष्टि हम बिल्कुल हर समय तैयार रहते हैं। किसी दिन हम देखते हैं कि लगातार जो चुनावी दौर बना हुआ है और दो आप प्रसार प्रसार चल रहा है किस आधार पर चल रहा है क्या महिला इसमें साथ भी है अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से चल रहा है इसकी जानकारी दे। हमारे जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो हमारे महिला मोर्चा काम कर रहा है, युवा मोर्चा हमारा काम कर रहा है, हमारा मंडल के जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग टीमों के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज प्रचार के लिए हमारे पास हमारी जो लोकप्रिय सरकार है उसने जो जो कार्य किए हैं जो जो हमारे लाभान्वित लोग हैं उस बात को प्रचार कर रहे हैं। हमारी जो केंद्र की सरकार ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक एक योजनाओं के माध्यम से जन सेवा का कार्य किया है उसके माध्यम से कहीं भी हमें ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि आज मैं देख रहा हूँ महिलाओं में इतना उत्साह है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक प्रचंड उत्साह में लोगों में देख रहा हूँ। ये निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो जन विकास के कार्य थे जो कल्याणकारी कार्य किए हैं उसके माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और प्रचार की जहाँ तक बात है तो मैंने कहा नहीं कि प्रचार तो वो करेंगे जो केवल चुनाव के समय पर आते हैं। एजीपुर में लगातार इस सीट पे कहीं ना कहीं बीजेपी कभी आगे दिख रही है कभी कांटे की टक्कर मिलती है। इसी सीट पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे प्रचार प्रसार से उसमें क्या कहना आप आगामी दिनों में कौन कौन से स्टार प्रचारक आपकी जनसभा में आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे एक बहुत विशाल जन सैलाब उमड़ा था और मैं समझता हूँ कि थराली विधानसभा का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा में आए थे और मैं उनका आशीर्वाद मानता हूं। और जहां तक ये आगे के जो हमारे स्टार प्रचारक आएंगे वो तय करेंगे संगठन हमारा तय करेगा प्रदेश का नेतृत्व तय करता है उस हिसाब से सब होंगे। बीजेपी के जो थराली प्रत्याशी उनका लगातार प्रचार प्रसार बना हुआ है डोर टू डोर कैंपिंग हो रही है इसी दौरान हम जानना चाहते हैं कि अगर इनकी विधानसभा से की जीत हो जाती है तो आगामी दिनों में इनका क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा में क्या इनको कोई मंत्री पद की कोई अभिलाषा रहेगी इस विषय में। अब देखो बहुत सारी बातें होती हैं हमारा पहला लक्ष्य अपनी सरकार बनाना है थराली विधानसभा को विजय बनाना है और बाकी ये तो बात की बातें होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और पार्टी जिस प्रकार से भी मेरे को मैसेज करेगी उस हिसाब से आगे बढ़ा। इसी विषय में हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार अपने कैंपिंग के माध्यम से युवा विंग के साथ थराली विधानसभा में जो यहाँ पे क्षेत्र और पड़ता विकास नगर घाट उस क्षेत्र में भी बीजेपी की काफ़ी प्रदर्शनी रही है तो उस क्षेत्र में क्या आपका दौरा हुआ अभी।
हाँ, मैं जैसे ही मुझे टिकट मिला, मैं सबसे पहले माँ नंदा की आशीर्वाद लेने को गया। उसके बाद मैं लाखन धाम में लाखन देवता के दर्शन के लिए गया था। जहाँ तक घाट की बात है, नंदा नगर की बात है, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में और एक ऐतिहासिक मतों से हम आगे बढ़ रहे हैं। माँ नंदा के धाम से थराली विधानसभा के प्रत्याशी ने जीत की ताल ठोकी है। आप देख रहे हैं कमलेश पुरुष के साथ पहाड़ की आवाज़ के माध्यम से लगातार आपका स्वागत करता है पहाड़ की आवाज़। इस विषय में बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पहाड़ की आवाज़ का मैं बड़ा आभारी हूँ। पहाड़ की आवाज़ ने एक अपना सर्वे दिया था और उस सर्वे के माध्यम से उन्होंने इस बात का जो एक संकेत दिया था, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ पहाड़ की आवाज़ का। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा